So, good morning, students. Let's continue our lesson number 4. 4 है ना? It was a big lesson and it takes many more times ना? So, possibly today we will finish this lesson. Then we can go for question answer and everything. Okay? So, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था वो बच्चों के मन में दया आ गया और वो उनका पाँव पूरा जला हुआ देखे बेघर भिखारी का, तो इसलिए वहाँ जो चप्पल पड़ा था वो चप्पल निकाल के इनको दे दिया और फिर पता बाद में पता चला चप्पल किसका था, इट वॉज ऑफ द म्यूजिक मास्टर. ठीक है, फिर वो सब ढूंढने लगा. सो सर रुक्मणी ग्रिमली एंड टर्निंग टू रवि, यू आर द म्यूजिक मास्टर, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू द बेगर, ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. तो रुक्मणी को रवि को पूछा, क्या तुमने माजिक म्यूजिक मास्टर का चप्पल और वो कहीं भिखारी को तो नहीं दिया? चिल्ड्रन दिस डेज ग्रॉन्ड पाती, पाती ने बोला बच्चे आजकल ऐसे काम करते हैं. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. तो पुराना लोग बच्चों को कहानियां सुनाते हैं क्या? पुराना गीता में रामायण में सब जो कहा अच्छा अच्छा कहानी है वो सब सुनाते हैं, तो उस समय बच्चे के मन में भी वही विचार आते हैं ना अच्छा काम करने के लिए. जब अपना घर का काम आ गया तो पेरेंट्स मानते नहीं है ना. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड. अम्मा आपने मेरे को कहानी कर्ण का जो कहानी आपने मेरे को बोला ना, जो उनके पास एवरीथिंग, उनके पास जो कुछ था वो सब वो दे दिया. इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. वो इतना दयालु और महत्वपूर्ण थे, उनका इयरिंग्स तक उन्होंने दे दिया. सिल्ली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन. रुक्मणी ने क्या बोला? ऐसे मत बोल सिल्ली. कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, सो ही ओनली गेव अवे हिज ओन. कर्ण दूसरों को सामान लेके बिछा नहीं दिया, बिक नहीं दिया, उन्हीं उनके पास जो थे वो दे दिया. बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बगर्स फीट, रवि रेस्ट ब्राशली ऑन. रवि भी चिल्ला के बोलना क्या, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बगर्स फीट, मेरा चप्पल उसका पाँव में नहीं बैठते, सूटेबल नहीं है, चोटा पड़ जाते हैं. एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर मेरा चप्पल फिट होते मैं उनको दे दिया तो भी आप माइंड नहीं करते ना. रवि सर रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. रवि रुक्मणी रवि को बोला, गुस्सा होके बोला क्या बोला, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी तुम अंदर जाओ. शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल्स. This should fit you, sir. Please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose this will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? A human incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. ठीक है, शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल्स. वो रुक्मणी अंदर जाके गोपू मामा का एक नया चप्पल्स लेके आया. दिस शुड फिट यू सर, तो मास्टर को दे दिया, म्यूजिक मास्टर को दे दिया और उनको पूछा, दिस वुड फिट यू, ये आपको बराबर होगा, प्लीज पुट दिस ऑन, पहले आप ये पहन लो. आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ. माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरे बेटा बहुत नोटी है. द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, ही पुट दम ऑन, उन्होंने पर देखा और पहन लिया. ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन वो
इतना कुछ नहीं थे. वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू. दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. व्हाट टू डू. आज के जमाने में बच्चों को बड़ों के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है. क्या करें. व्हाट टू डू. ए ह्यूमन इनकार्नेट. इनकार्नेट अरे एक मनुष्य जन्म, एक मनुष्य अवतार, बस इतना ही है. इनकार्नेट मीन्स एम्बॉडिंग ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन का अवतार लेना, मनुष्य का अवतार लेना बस. ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो. ओनली राम भगवान कैन सेव सच ए नॉटी फेलोस. रुक्मिणी'स आईज फ्लैश्ड. रुक्मिणी थोड़ा उदास जैसा हो गया. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, इवन ए होली मंकी. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. She didn't seem to like Ravi being called a monkey. Ravi ko ek bandar bulana usko acha nahi laga. She stood stiff and straight by the front door. Oh, door ke samne, front door ke samne khade ho gaye. It was clear she wanted him to leave quickly. Usko wahan se jaldi rawana karna theek rehta. When she heard when he had clattered off in his new chappels, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." तो गुस्सा तो आ गया था उनको, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए वो जो शोर से चला गया. क्लैटेड ऑफ मीन्स मेकिंग नॉइस ऑफ चप्पल, जिसको क्लैटेड ऑफ कहते हैं. व्हेन शी हैड क्लैटेड ऑफ हिज न्यू चप्पल्स शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन. मृदु आ जाओ, कुछ खाना खा लो. हॉनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स. सच में आप बच्चे लोग कैसे कैसे सोचते हैं, ऐसा कैसे काम करते हैं. थैंक यू गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क. भगवान का धन्यवाद, आज गोपू मामा चप्पल पहन के काम में नहीं गया. आज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना शी सडनली बिगन टू लाफ. और रुक्मिणी मृदु और मीना के साथ कुछ किचन में जाते समय हंसने लगा. बट शी इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज and socks and get into this his chappels as soon as he come home. तो आपका गोपू मामा जो आते समय ऑफिस से आते ही सबसे पहले वो शू और सॉक्स निकाल के अपना चप्पल पहनते हैं जब भी वो काम से वापस घर पे आते समय. What's your mama going to say this evening? आज शाम को तुम्हारे मामा क्या बोलेंगे. When I tell him I gave his chappels to the music मास्टर. मैंने आपका चप्पल म्यूजिक मास्टर को दिया करके अगर मैं उनको बोलूं तो वो क्या जवाब देंगे पता नहीं. ठीक है, तो इस लेसन इधर फिनिश हो गया. इसमें दो तरह का कहानी है. एक तो रवि का कैट के बीच में किटन के किटन से जो जानवरों के प्रति उनका जो मनोभाव, और गरीब लोगों के प्रति बच्चों का जो दिल में जो भाव होते हैं, ये दोनों के बारे में डिस्कस करने के लिए ये लेसन मेनली अपन ने यूज़ किया है. क्योंकि दोनों कहानी दो अलग अलग पात्र है, दोनों में कैरेक्टर्स सेम है, और उन बच्चों को दूसरे लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति क्या विचार है, उनको कैसे मदद करना है, कैसे करना है, ये ऐसे जो भावना जो आते हैं बच्चे के दिल में उसको बूस्टअप करना है. और दूसरा जानवरों के प्रति, जानवरों के प्रति भी अपन ऐसे भावना रखना चाहिए ताकि जो अपना सपोर्ट चाहते हैं उनको अपना सपोर्ट देना चाहिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक आवर एक्सरसाइज. सम टाइम इस बाकी है. इसमें दो एमसीक्यूस में दो या तीन किया था अपन ने ना, दो किया तीन. ओके, लास्ट वन बाकी था, फोर्थ वन. मृदु
kept up to the window, है ना? Next one B, complete the following sentences. तो आपको इस लेसन पढ़ के क्या समझ में आया वो आपको लिखना होगा इसमें. Complete the following sentences. लेसन पढ़ने का जो आदत है ना आप लोगों में डालने के लिए ही ये देते हैं, ठीक है? रवि कंपेयर्स ललित प्लेइंग द वायलिन टू, किसे कंपेयर किया था? सबसे उस सेकंड पार्ट का फर्स्ट में इन्होंने मेंशन किया था. रवि कंपेयर्स ललित प्लेइंग द वायलिन टू ए ट्रेन, टू ए ट्रेन. ये आपको ढूंढ कर भी लिख सकते बुक्स में से, मैं ढूंढ के दे रहा हूँ थोड़ा बहुत. टू ए ट्रेन विसलिंग whistling on and on. ठीक है. Trying to hide beneath the tray of chilies, Mahendran tipped a few chilies over himself. T I P P sentence, same sentence बुक्स में है, लेसन में है, आप ढूंढ के भी लिख सकते हैं. टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, उसके ऊपर चिल्लीज गिराया, राइट? द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लली stumbled behind him. Stumbled behind stumbled behind him on her violin. बहुत लंबा है. On her violin violin which looks quite helpless. इधर नीचे लिख रहा हूं Q U I E T quite helpless and unhappy in her eyes, na? Unhappy in her hands, eyes. Most carefully, using elbows and hands. Which quite helpless, unhappy in her hands. Okay. So ये same एक साथ, ठीक है? Next guy, the beggar said that the kind ladies of the household have kept his body and soul together on their generosities. ये भी बड़ा है. Have kept his body. Body and soul and soul together on their generosity. इधर नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसके बाकी है.
सो टुगेदर जेनरोसिटी बुक्स में है, आप ढूंढ कर भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं फॉर ए वर्ल्ड वीक। ठीक है। और फिफ्थ वन, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लल्ली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स, इफ शी ओके। सो टुडेज टाइम इज अप, क्वेश्चन आंसर आई विल गिव यू टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।